तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हेटौड़ा और इसी रास्ते से निकलेंगे लोग पोखरा। और पोखरा जाने से पहले मुंगली से जो रास्ता कटता है वहां का सबसे लंबा ब्रिज बहुत ही लंबा है और डिफिकल्ट रूट होते जा रहा है धीरे धीरे और बारिश भी हो रहा है। पोखरा ट्रिप इतना बारिश होगा कभी सोचा नहीं था। और कीचड़ इतना हैवी है, पैर दोनों देख लीजिए पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है, कि आधा कीचड़ में डूबे हुए हैं। और ये पोखरा जाने का दूसरा ब्रिज जो कि टूटा फूटा है लेकिन बढ़िया है, फिर भी ऊपर से व्यू चेक कर लो और नीचे देखो गाइस पैर का क्या हाल है, पूरा बॉडी का बारिश में भीगते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह सो के उठ चुके हैं और कुछ लोकेशन ऐसे दिखाई देगा, कुछ अलग सा व्यू दिखाई देगा। मॉर्निंग टाइम है और आज पहुंच चुके हैं नेपाल। नेपाल में कहाँ पे आपको बता दें, हेटौड़ा। हेटौड़ा पहुँचे और हेटौड़ा से डायरेक्ट निकलेंगे पोखरा। रात ही में आ गए हेटौड़ा और आपको व्यू चेक कराते हैं। ये लो तो फाइनली गाइस नहा लिए और फ्रेश हो गया, देख लीजिए। बाकी ये खाना चेक करें, बहुत ही बढ़िया सा खाना होटल में लाया गया जो कि वैरायटी वैरायटी का है, जो पूल नंबर 3 पे हम लोग खाते हैं लोग। और इसी के साथ खाना खा के हम निकलेंगे लोग। निकल रहे हैं यहाँ से और नीचे जाएंगे लोग। बाकी ये बैग है यहीं पे छोड़ देना है, फ्रेंड गया। लग रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है, शायद एक्सीडेंट या फिर कोई गिरा है नीचे नदी में, सब कोई भीड़ में लगा है, टाइम भी है उधर। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा जो कि थोड़ा सा आ गया और बारिश पता नहीं अचानक से थोड़ा थोड़ा होने लगा जो पड़ रहा है बॉडी पे, तो लग रहा है कि हाँ बारिश हो रहा है और ज़ोर से होगा। तो रेनकोट लाए ही हैं, पहन लेंगे, बट आपको बता दें गाइस ये मौसम में बारिश का भी कोई असर नहीं होगा। इतना सुंदर सा मौसम है, इतना ठंडा सा, मतलब एक एनर्जेटिक जो मौसम होता है ना, लग रहा है यही है। मनाली पुल से बहुत ज़्यादा दूर है पोखरा, अभी बहुत टाइम बाकी है पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी ये चेक करेगा इस मनाली का ट्रैफिक पुलिस चेकिंग हो रहा है जी। पोखरा कितना किलोमीटर है सर? पोखरा कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है पोखरा यहाँ से? पोखरा बहुत दूर है, नारायणघाट। नारायणघाट उसके बाद मुंगली। ओके ओके, थैंक यू सर। फाइनली हम रुके हैं मुंगली और मुंगली यहाँ पे मैंने खा चुका है और यहाँ से निकलेंगे पोखरा जो कि 90 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो फाइनली गाइस मुंगली से हम निकल चुके हैं पोखरा के लिए और ये आगे जो ब्रिज है क्रॉस करेंगे, वहाँ से पोखरा का रोड स्टार्ट हो जाएगा जो कि बारिश भी होना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मैंने रेनकोट पहन लिया और ये लोकेशन चेक करिए गाइस, ये कितना हैवी सा रेस्टोरेंट है। और साइड से निकलेंगे, बस इस साइड से निकल के सीधे निकलना है और आगे रोड बहुत ही खतरनाक है, मतलब बोलते हैं ना ऑफ रोड है, कीचड़ वाला खतरनाक है। और ए भाई साहब इतना पंप वाला रोड, कीचड़ वाला, बारिश और नीचे इतना कीचड़ देख ही नहीं थे, बाप रे। पता नहीं यार कभी को पोखरा मत आना। यहाँ क्यों रोका, आगे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये देखो पैर पूरा पागी से भर चुका है। वाले पुल से भी बहुत ज़्यादा लंबा पुल है ये ब्रिज, पता नहीं इतना लंबा पोखरा जाने से पहले मिलेगा। और ऊपर के व्यू चेक करेगा इस, कितना बारिश हो रहा है बहुत भाई। एक और छोटा सा पुल मिला और ये भी क्रॉस कर गए, तब उसके आगे निकलेंगे। यहाँ पे देखो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस। पोखरा मार्केट पहुँचते ही बाइक सबसे पहले धुलवा ली और खुद को भी, इतना कीचड़ था।
साइड कौन जा रहा है? अरे नहीं बीरगंज बॉर्डर से है भैया, रफ्तार बीरगंज बॉर्डर। हाँ हमेशा आते जाते हैं। कौन सा होटल है? नाम लगुन में था क्या भैया? लगुन में। लगुन होटल में रुकते हैं। हमेशा आते जाते रहते हैं। तो थोड़ा ऐसे ऐसे दलालों से बच के रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। 1000 रुपये में 2 दिन के लिए कौन दे देगा, वो भी 1000 रुपये नेपाली में। एक दिन का रूम का रेंट कम से कम 1000 रुपये या फिर 1500। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोग होटल में, और इस होटल का व्यू देख लीजिएगा, इस अजीब सामान का देख लीजिए, पूरा घूम गए हैं। और आगे